सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। बागवानों से ट्रायल के तौर पर क्रेट में खरीदा जाएगा सीग्रेट, से पराला में मिलेगी सुविधा। इस सीजन में ट्रायल के तौर पर बागवानों से क्रेट में सीग्रेट सेब की खरीद होगी। ठियोग के पराला स्थित एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सरकार बागवानों से क्रेट में सेब खरीदेगी। वहीं पराला प्लांट के 50 किलोमीटर के दायरे के बागवान क्रेटों में अपना सीग्रेट सेब बेच सकेंगे। वहीं महंगे कार्टन के कारण बढ़ती सेब उत्पादन की लागत से बागवानों को राहत दिलाने के लिए सरकार क्रेट में सेब बेचने की व्यवस्था लागू करने जा रही है। पहले चरण में पराला प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सी ग्रेड सेब क्रेट में खरीदा जाएगा। अगले चरण में मंडियों में सभी तरह का सेब क्रेट में बेचने की व्यवस्था लागू होगी। शिमला मटोर फोर लेन घुमारवी में बनेगा 7 किलोमीटर लंबा बाईपास, साल के अंत तक तैयार होगी तीसरे पैकेज की डीपीआर। शिमला मटोर फोर लेन में तीसरे पैकेज भगेड़ से हमीरपुर तक की फाइल डीपीआर इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस पैकेज के निर्माण की अन्य प्रक्रिया पूरी होगी। फोर लेन पर घुमारवी शहर को करीब 7 किलोमीटर लंबे बाईपास की सुविधा मिलेगी। शिमला मटोर फोर लेन का निर्माण कार्य 5 पैकेज में किया जा रहा है। वहीं पहला पैकेज शिमला से भराड़ी घाट, दूसरा भराड़ी घाट से भगेड़, तीसरा भगेड़ से हमीरपुर, चौथा हमीरपुर से ज्वालामुखी और पाँचवा ज्वालामुखी से मटोर तक है। पर्यटकों के लिए खुला ग्राफू बाईपास, नज़दीक से कर पाएंगे बर्फ का दीदार। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति प्रशासन ने ग्राफू बाईपास को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। अब सैलानी वाहनों में ही और नज़दीक आकर बर्फ का दीदार कर पाएंगे। इससे पहले सैलानियों को मीलों का सफ़र पैदल तय कर पहुंचना पड़ रहा था। बता दें कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ की सहमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सैलानियों को कोकसर से आगे ग्राफू से 3 किलोमीटर तक आने की अनुमति दे दी है। वहीं अब ग्राफू बाईपास तक वाहनों में भारी संख्या में सैलानी बर्फ का दीदार करने पहुंच रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े 35 चालकों ने कोर्ट के लॉकअप में काटी 1 दिन की सजा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 35 वाहन चालकों को कोर्ट के लॉकअप रूम में रहकर 1 दिन की सजा काटनी पड़ी। अदालत ने इन चालकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे, क्योंकि ये चालक अदालत से समन जारी होने के बावजूद पेशी पर नहीं आ रहे थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने इन चालकों को पकड़कर अदालत में पेश किया। 5 और भर्तियों में होगी FIR, विजिलेंस ब्यूरो ने 22 पोस्ट कोड पर मुख्य सचिव को दी स्टेटस रिपोर्ट। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में सामने आए पेपर लीक मामले में अभी 5 FIR और दर्ज होंगी। विजिलेंस ब्यूरो ने इन भर्तियों में मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। इसके लिए सरकार और एजेंसी के स्तर पर कुछ क्लियरेंस अभी पेंडिंग है। जांच एजेंसी ने जांच के दायरे की कुल 22 भर्तियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दी है। इस रिपोर्ट में अब लोक सेवा आयोग रुके जल्द जल्द घोषित कर पाएगा। वहीं विजिलेंस ने राज्य सरकार को दी रिपोर्ट में कहा है कि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सबसे पहले FIR 23 दिसंबर 2022 को JOAIT पोस्ट कोड 965 को लेकर हुई थी। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर भर्ती की FIR 28 दिसंबर को हुई। तब से लेकर अब तक की जांच में 22 पोस्ट कोड आए हैं। इनमें से 5 पोस्ट कोड को लेकर अब तक FIR दर्ज हो चुकी है। इनमें पोस्ट कोड 980, 939, 819, 962 और JOAIT 817 शामिल हैं। जांच एजेंसी ने सरकार को बताया है कि 5 और पोस्ट कोड में केस दर्ज करने को लेकर सिफारिश भेजी गई है। 30 जून तक हिमाचल में पहुंचेगा मानसून, इस बार 15 दिन देरी से देगा दस्तक। 11 जून तक छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में मानसून के केरल पहुंचने की आशंका जताई है। अगर इस बीच मानसून केरल पहुंच जाता है तो फिर हिमाचल में भी 30 जून तक मानसून दस्तक दे देगा, नहीं तो जुलाई में ही इस बार मानसून की एंट्री हिमाचल प्रदेश में होगी। आमतौर पर हिमाचल में 18 से 20 जून तक मानसून पहुँच जाता है।
लेकिन इस बार 12 से 15 दिन बाद हिमाचल के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में इस बार मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होती है। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 734 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 695 mm के आसपास बारिश होने की संभावना है। जुलाई में जारी होंगे बसों टैक्सियों के नए परमिट, 6 महीनों से हिमाचल में नहीं मिल रहे परमिट। हिमाचल प्रदेश में बसों व टैक्सियों के परमिट जुलाई महीने में बनेंगे। सरकार की ओर से गठित राज्य सड़क प्राधिकरण और क्षेत्रीय प्राधिकरण की बैठकों में बसों व टैक्सियों के रूटों को मंजूरी प्रदान की जाती है। सरकार ने एसटीए व आरटीए का गठन तो कर दिया है, लेकिन इनकी बैठकें कब होगी अब तक यह निर्धारित नहीं किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस महीने ही एसटीए व आरटीए की बैठकें निर्धारित की जाएंगी। अगले महीने से बसों व टैक्सियों के परमिट जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने राज्य सड़क प्राधिकरण और क्षेत्रीय सड़क प्राधिकरण का गठन किया है। वहीं सरकार की सड़क प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधान सचिव परिवहन विभाग को बनाया है, जबकि निदेशक परिवहन विभाग को प्राधिकरण का सदस्य बनाया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सचिव राज्य सड़क प्राधिकरण को सदस्य सचिव नियुक्त किया है। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण एक्शन मोड में, नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों की अब खैर नहीं। हिमाचल प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण दवाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण एक्शन मोड में आ गया है। अब जो उद्योग नकली, मिलावटी और घटिया दवाओं के निर्माण में बार बार संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनका नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही वार्षिक समीक्षा भी की जाएगी। वहीं किसी भी तरह से मानकों की अवहेलना की सूरत में उत्पादन पर रोक व लाइसेंस रद्द करने की कड़ी कार्रवाई में तत्काल प्रभाव से अमल में लाई जाएगी। बता दें कि नकली व सब स्टैंडर्ड दवा निर्माण के लगातार आ रहे मामलों की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और निरीक्षण बढ़ाने से संबंधित कई दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल, जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस के कुप्रबंधन से बिगड़ी प्रदेश की हालत। 6 महीने में 7,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद भी 1,000 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट में हिमाचल सरकार चल रही है। प्रदेश में सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले हो चुके विकास कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है, राजकोष खाली है, यह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विकास कार्य कैसे होंगे? कांग्रेस द्वारा किए गए चुनावी वादों को सुक्खू सरकार ने पूरा नहीं किया है। 6 महीने में ही हिमाचल की सुक्खू सरकार असफल साबित हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह जन विरोधी सरकार है। शपथ ग्रहण के बाद सरकार अपने चुनावी वादे पूरा करने की कोशिश करती है, जनहित के काम करती है, लेकिन सुक्खू सरकार ने आते ही डीजल के दाम बढ़ाकर हिमाचल के लोगों को परेशान करने का काम किया। 21 जून तक चाहिए ओल्ड पेंशन, बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार व प्रबंधन को दिया समय। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने राज्य सरकार और प्रबंधन को 21 जून तक ओल्ड पेंशन लागू करने की मोहलत दे दी है। जून महीने का वेतन बनने से पहले तक बोर्ड कर्मचारी ओपीएस बहाली की अधिसूचना का इंतजार करेंगे और इसके बाद बोर्ड कर्मचारी यूनियन भविष्य की रणनीति तय करेगा। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने साफ कर दिया है कि जून माह में वे किसी भी कीमत पर एनपीएस शेयर कटवाने के लिए तैयार नहीं हैं। सर्विस कमेटी की बैठक न हो पाने की वजह से कर्मचारियों के हितों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। बीते कुछ दिनों से अलग अलग कारणों की वजह से बैठक की तारीख तय नहीं हो पा रही है। ऐसे में बोर्ड कर्मचारियों ने प्रबंधन को पत्र सौंपते हुए अब 21 जून से पहले इस बैठक को करवाने का आह्वान किया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।